गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडेज गुड मॉर्निंग क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। एमसीएस 12, ठीक है। एमसीएस 12 का आप लोगों का क्लास होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक सर्किट के बारे में, सर्किट है ना, और असेंबली लैंग्वेज के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जो होगा एमसीएस 12 का फर्स्ट यूनिट का मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो एमसीएस 12 का फर्स्ट यूनिट आप लोग क्या करोगे, आप लोगों के पास भी ब्लॉक होगा, वो ब्लॉक को देख लो, है ना। सर बुक नहीं मिला। पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ये तो अभी तो सभी के पास है। हमारे पास जो पीडीएफ ही है, पीडीएफ जो है ईजीएम कोर्स से आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो मेरे पास है ना, आप लोग भी इसी को डाउनलोड कर लोगे, उससे भी आप क्लास कर सकते हो, है ना। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों को, सभी लोगों को? यस सर। यस सर। हाँ सर। आप लोग अपने अपना अपना म्यूट कर लो, है ना, साउंड आ रहा है उसको आप लोग म्यूट कर लीजिए। देखिए आपका जो फोर्थ यूनिट है वो आप लोगों को जो पढ़ना है एमसीएस 12 का फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट। इसमें हमें बेसिक कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। बेसिक कंप्यूटर्स का जो है, हु इज दिस स्कीमा सॉफ्टवेयर, काइंडली प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो मैं आपका स्टार्ट किया था कि बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में आप लोगों को फर्स्ट यूनिट के में आप लोगों को इसको जानना है। तो बेसिक कंप्यूटर्स प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप लोगों ने कंप्यूटर फंडामेंटल में आपने किया होगा। तो इसमें क्या करेंगे, मैं केवल ओवरव्यू इसके बारे में कुछ बता के फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाऊंगा, है ना। तो जो हमारा कंप्यूटर्स जो है वो जो काम करता है वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स के अनुसार काम करता है। किसके अनुसार काम करता है? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स के अनुसार वो काम करता है। अब वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर्स का था कि हमारा जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स का जो था कि उसमें हम कंप्यूटर्स का जो यूज करते थे, एक किसी भी चीज को हम इनपुट डालते थे और वो आउटपुट को शो करता है। इनपुट करते हैं और उसका हमको आउटपुट शो करता है। अब इनपुट और आउटपुट में भी ये डिपेंड करता है कि उसका मीनिंगफुल इनपुट होना चाहिए जो कि डेटा को प्रोसेस कर सके और उसके बाद वो आउटपुट को शो कर सकता है। अब ये कहते हैं कि जो कंप्यूटर्स का जो यूज करते हैं, मान लो कि हमने कोई इनपुट दिया तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपका ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। मान लो कि एडिशंस करना है तो एडिशंस के लिए वो कंट्रोल ऑपरेशन है जिसके द्वारा वो परफॉर्म करता है कि इस चीज को जो दो इनपुट लिया है उसका जो एडिशंस होगा वो एडिशंस का ही वर्क करेगा। अगर सब्ट्रैक्शंस का है तो सब्ट्रैक्शंस का ही काम करेगा। अब कहता है कि जो यूज करते हैं तो इस चीज के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें क्या होता है,
बेसिक लॉजिक सर्किट का यूज करते हैं, बेसिक लॉजिक सर्किट का यूज करता है और उसके द्वारा वो कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। इस चीज के बारे में जो मैंने बताया कि जो बेसिक लॉजिक सर्किट है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट यूनिट में या इसी यूनिट में हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे, बताएंगे कि व्हाट इज द लॉजिक सर्किट, व्हाट इज बेसिक लॉजिक सर्किट, जिसके द्वारा हम उस लॉजिक सर्किट के द्वारा एडिशंस या सब्ट्रैक्शन या कोई भी चीज ऑपरेशंस जो होता है उस लॉजिक सर्किट के द्वारा ही होता है। अब कह रहा है कि जो बेसिक फंक्शन जो परफॉर्म होता है वो क्या होगा कि कोई भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, अब वो इंस्ट्रक्शंस जो होगा वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा, मतलब कि वो इंस्ट्रक्शंस एक सीक्वेंस में होगा। मान लो कि हमको एडिशन ही करना है तो वो टू नंबर्स का एडिशंस होगा, तो टू नंबर्स का एडिशंस का मतलब हो गया कि टू नंबर्स हम इनपुट करेंगे और उसको ऐड करेंगे और उसको एक रिजल्ट्स को शो करेंगे। तो इसके लिए भी हमको जो स्टेप लेना है वो 4-5 स्टेप्स लेंगे तभी वो आपका वो प्रोग्राम कंप्लीट होता है। तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है एक सीक्वेंस में होता है उसी को हम एक प्रोग्राम कहते हैं। अब प्रोग्राम्स को यूज करने के लिए हमें डेटा की भी जरूरत होती है, तो कहा जाता है कि व्हाट इज डेटा। तो डेटा जो है हम जो यूज करते हैं कंप्यूटर्स के लिए, वो कंप्यूटर्स हम लोग तो मैंने बताया कि आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा कि कंप्यूटर्स के लिए जो डेटा होगा, जो कंप्यूटर जो समझता है वो केवल बाइनरी नंबर्स में ही समझता है। तो बाइनरी का मतलब हो गया 0 और 1। और हम लोग जो करते हैं किसी भी चीज के लिए तो वो जो होता है वो हमारे प्रोग्रामिंग के अनुसार होता है, या तो लो लेवल लैंग्वेज होता है या हाई लेवल लैंग्वेज होगा, तो उसके अनुसार उस लैंग्वेज को हम लोग अपने अनुसार वो यूज करते हैं। तो या हम जो यूज करते हैं वो अपने अनुसार यूज करते हैं, जैसे मान लो कि हमको नंबर्स ही जानना है तो हम बाइनरी नंबर्स को अगर समझना होगा तो हम डेसिमल नंबर के थ्रू ही समझ कर सकते हैं कि 0 को बाइनरी नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को बाइनरी नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को हम बाइनरी नंबर्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमारा जो है डिजिटल को वो जो है कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर्स में ही समझता है। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस यूनिट में कि हमारा जो बाइनरी नंबर्स है कंप्यूटर्स का और डिजिटल नंबर्स वो बाइनरी नंबर्स में कैसे कन्वर्ट होता है। ये भी आपने यूज किया है कंप्यूटर फंडामेंटल्स में, इसको भी आप लोगों ने देखा होगा नंबर सिस्टम, उसमें भी पढ़ना था। अब जैसे हमारा जो बाइनरी नंबर्स का रिप्रेजेंट करने के लिए जो दिया है, तो जैसे रिप्रेजेंट करना है तो 2 पर पावर 8, तो 2 पर पावर 8 है, दैट मींस ये 256 डिफरेंट आइटम्स को यूनिकली वो रिप्रेजेंट करता है। कितने को? 256 को। अगर 2 पर पावर 4 है यानी कि वो क्या करता है, 16 को करता है, 2, 2, 4, 2, 3, 8, 2, 4 का 16, या तो इस तरीके से ये आपके पावर्स को वो रिप्रेजेंट करता है, मतलब 2 उसके बाद 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32, इस तरीके से वो रिप्रेजेंट करता है और वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जो ये डेटा यूनिकली रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट में, इसको एक बाइट के रूप में वो रिप्रेजेंट करता है। वो बाइट जो होता है वो 8 बिट्स का होता है, मतलब कि 8 बिट्स इक्वल 1 बाइट्स। अब ये कह रहा है कि हम तो मोस्ट कंप्यूटर जो यूज करते हैं या तो 2 बाइट्स का यूज करते हैं या 4 बाइट्स का यूज करते हैं, है ना। इसमें पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। अब कहते हैं डेटा में जो भी ऑपरेशंस करते हैं वो क्या होता है, या तो इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, डेसिमल होता है, या डिफरेंट टाइप्स के, मतलब अगर नंबर्स हैं तो, है ना, लॉन्ग इंटीजर हो जाएगा, डबल्स हो जाएगा, तो ये आपके डेटाज के टाइप्स हो सकते हैं, है ना।
उसी तरीके से कह रहा है कि जो कंप्यूटर्स जो यूज करते हैं उसमें क्या करता है कि मेन फंक्शन जो है वॉन न्यूमैन ने ये भी कहा है कि जो कंप्यूटर्स का है कि मैंने कहा कि ये एक आपका इनपुट और आउटपुट के ऑपरेशंस पे काम करता है, लेकिन जो ये परफॉर्म करता है अर्थमेटिकल और लॉजिकल, अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो या लॉजिकल या ऑपरेशंस हो, ये एक ALU के द्वारा करता है। इस यूनिट को हम जो कहते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अब इसके बाद कंट्रोल यूनिट आप लोगों को मैंने बता दिया। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि उस ऑपरेशंस को उस इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कराता है कि उस तरीके से वो जैसा वो इंस्ट्रक्शन है उसके अनुसार वो वर्क करे, है ना। तो इस तरीके से ये आपका वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स का वर्क करता है ना। और ये सारे चीज जो है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी। अब एक पार्ट और होता है जिसको कि हम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी इसलिए यूज करता है, जैसे कोई भी इनपुट हुआ या आउटपुट हुआ, इसमें इनपुट का लिए जो भी डेटा लिया आपने तो वो कहीं भी उसको स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद उसको ऑपरेशंस करता है और ऑपरेशंस करके वो आपको आउटपुट देता है। तो इसमें क्या है कि जब तक इस सारे ऑपरेशंस होते हैं तो उसको क्या करता है, एक स्टोर प्रोग्राम के रूप में एक यूज होता है कि जिसके द्वारा वो क्या करेगा, स्टोर करेगा और उसको उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद उसको क्या करेगा, वो प्रोग्राम्स को डेटा को पहले तो ऑपरेशंस भी करेगा तो उसको डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट मेमोरीज में उस डेटा को रखता है। अगर मान लो ए इक्वल टू 5 है, बी इक्वल टू 6 है, सी इक्वल 7 है, तो ये क्या करेगा, ये डिफरेंट मेमोरी में रखता है क्योंकि उसके बाद वो ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अब ये देखिए, ये आपका पिक्चर्स है। देखिए आपका इस पिक्चर्स में स्ट्रक्चर्स ऑफ ए कंप्यूटर, स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर जो कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स पे ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर्स है। यहाँ पर देखिए ये जो पिक्चर्स बना हुआ है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर से रिलेटेड आपके पास कुछ भी आपको राइट करने के लिए आता है थ्योरी पेपर में, तो पहला नंबर ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये फिगर जो बना हुआ है उसको जरूर बनाइए, उसके बाद इसके बारे में आप कोई भी चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला नंबर किसको इसमें दिया हुआ है, ये देखिए, ये सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू में क्या क्या है, एक ऑपरेशन रजिस्टर है, एक कंट्रोल यूनिट है और एक अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए आपको मेन मेमोरी में, मतलब कि ये कोई भी आप इनपुट करते हो तो इनपुट करने के बाद वो सीपीयू में जाता है। सीपीयू में क्या करेगा, ऑपरेशंस करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा। तो ये सारी चीज ऑपरेशंस होने के लिए पहले क्या करेगा, वो मेन मेमोरी में जाके डेटा को वन बाय वन उसको स्टोर करता है और उसके बाद ये सीपीयू को देता है कि आप इसको ऑपरेशंस होता है।
ऑपरेशन होता है और ऑटोमेटिकली और लॉजिकली उसको प्रोसेस होता है, उसके बाद वो क्या करता है कि आपको आउटपुट में शो करता है। तो ये जो है ये लास्ट में फिर इनपुट और आउटपुट का, इसलिए देखो एरो जो बना हुआ है वो इनपुट भी कर रहा है और आउटपुट भी शो कर रहा है। तो इस तरीके से ये आपका वॉन डीमन आर्किटेक्चर वर्क करता है, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर। फर्स्ट यूनिट में आप लोगों का ये ट्रू एंड फॉल्स है, जो अभी मैंने बताया कि बाइट कितने बराबर होता है, वन वन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स का कैसे यूज होता है। तो ये सारा चीज ट्रू एंड फॉल्स है, इसको आपको कि याद रहेगा, इसके लिए आप ये चेक योर प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब देखो ये दिया है व्हाट इज वन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स, व्हाट इज मेमोरी नीडेड इन ए कंप्यूटर। मान लो कि कंप्यूटर्स में आपको मेमोरी की क्या जरूरत है, मेमोरी के बगैर भी आप काम कर सकते हैं तो नहीं, क्योंकि किसी भी चीज को कोई भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कोई भी डेटा को सम टाइम्स के लिए स्टोर करना जरूरी है। अगर वो स्टोर नहीं होगा तो वो ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो इसीलिए इसमें आपको मेमोरी की जरूरी है, जरूरत है। अब ये कहता है कि जो कंप्यूटर्स में हम यूज करते हैं वो एक मेन मेमोरी करते हैं और एक सेकेंडरी मेमोरी यूज करते हैं। मेन मेमोरी का यूज इसलिए करते हैं कि वो सम टाइम्स के लिए आपका डेटा को स्टोर करता है, और जो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है तो वो मेमोरी से रिमूव हो जाता है। उसको हम अगर मान लो कि स्टोर करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं फ्यूचर्स के लिए या आप यूज करने के लिए, तो वहाँ पर आप सेकेंडरी स्टोरेज का यूज करते हैं, जैसे कि आप हार्ड डिस्क में करते हैं या पेन ड्राइव में करते हैं या फ्लॉपी डिस्क में करते हैं, जो भी हो उसका आप एक सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में आप यूज करते हैं। तो मेन मेमोरी के द्वारा जो होता है वो सम टाइम्स के लिए आपका डेटा स्टोर होता है, और वो जैसे ही वो आप कंप्यूटर्स को ऑपरेट करना बंद करते हैं, क्लोज कर देते हैं, उसके ऑपरेशंस को बंद कर देते हैं, तो वो आपका मेमोरी से वो रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको स्टोर करना है तो सेकेंडरी स्टोरेज का यूज करते हैं। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स में आपका मेन मेमोरी का यूज किया हुआ है। अब कह रहा है कि हम जो यूज करते हैं, डेटा का यूज करते हैं या इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं, तो उस इंस्ट्रक्शंस को यूज करने के लिए मैंने कहा कि अगर आप प्रोग्राम्स बनाते हो या एग्जीक्यूट करते हो तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब हो गया कि आपका इंस्ट्रक्शंस का एक लॉजिकली वो ग्रुप है, वो सेट ऑफ है, सीक्वेंस में है, जिसको कि एग्जीक्यूट करता है। तब ये एग्जीक्यूट करता है तो वो इंस्ट्रक्शंस जो है उसका एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, और ये जो एग्जांपल जो दिया हुआ है वो सी प्रोग्राम में दिया हुआ है। ये आप लोगों को सी प्रोग्राम्स आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना भी है, तो ये सी प्रोग्राम्स का एक एग्जांपल है जिसमें आप देखेंगे सैंपल सी प्रोग्राम्स। यहाँ पर टू नंबर्स जो है वो एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स नंबर है, फिक्स वैल्यूज है। यहां पर क्या किया है कि a इक्वल 5 b इक्वल 2 एंड c। यहां पर ये देखो ये 3 वेरिएबल्स लिया है। यहाँ पर मैं कहने का मतलब, यहाँ पर मैं प्रोग्राम नहीं बता रहा हूँ, इसमें ये बता रहा हूँ कि ये इंस्ट्रक्शंस क्या कह रहा है। इसमें जो स्टेप लिया है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्यों कहते हैं और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी डेटा हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, एक सीक्वेंस में होगा तभी वो सीपीयू में एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो
एरर देने लगता है। अगर वो सिंटेक्स के अनुसार नहीं रहेगा तो आपको सिंटेक्स एरर देगा, अगर आपको वैल्यू सही से नहीं रहेगा तो उसके अनुसार वो एरर देगा। तो ये जैसे यहाँ पर प्रोग्राम जो सी का दिया है, यहाँ पर 2 नंबर्स को दिया है और उसको प्रिंट करा रहा है ना। तो ये हो गया आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और सीक्वेंस इन इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस जो है वो सीक्वेंस में है। अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर जो यूज किया गया है इसमें 3 वेरिएबल्स का यूज किया गया, ए बी और सी। मैंने कहा कि कोई भी ऑपरेशंस करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी के एड्रेस पे उसको स्टोर करता है, सेम एड्रेस पे स्टोर नहीं करता है। तो इसके लिए क्या किया, उस 3 मेमोरी लोकेशंस को लिया जिसको कि ए बी एंड सी कहते हैं। अब कहता है कि हम जो ये प्रोग्राम्स जो है ये सी लेवल लैंग्वेज सी का जो है या तो हाई लेवल लैंग्वेज में है, इसको क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है किसके द्वारा करता है, सीपीयू के द्वारा करता है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा, जो आपका फिगर वॉन न्यूमैन में बना हुआ है ना, एएलयू था, ऑपरेशंस रजिस्टर था, इनपुट आउटपुट था, मेमोरी था, ये सारे के वो उसके में सीपीयू के द्वारा इसमें जो ऑपरेशंस होता है। अब कह रहा है कि जब हम वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो उसका साइज होता है, साइज क्या होता है, कितने साइज का, मतलब 16 बाइनरी का है, 32 बाइनरीज का है, कितने बिट्स का वो इंस्ट्रक्शंस है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो इंस्ट्रक्शंस है वो 2 कंपोनेंट्स के में यूज होता है, पहला नंबर कि ऑपरेशनल होगा और दूसरा होगा एड्रेस, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड मतलब कि जहाँ पे वो डेटा स्टोर होता है उसके अनुसार वो ऑपरेशन होता है, कि ए इक्वल टू 5 है तो वो जो 5 स्टोर है वो कहाँ स्टोर है, ए में, तो वो डेटा जो होगा ऑपरेशंस कहाँ करेगा, उसके एड्रेस के अनुसार उसको सर्च करेगा और वहाँ से उसको ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। अगर ए इक्वल टू 5 है, बी इक्वल टू 2 है, तो ए के मेमोरी के एड्रेस से वो ए 5 को लेगा और बी के मेमोरी से उसको 2 को लेगा। अब वो कह रहा है कि उसको एडिशंस करना है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 16 बिट्स के लिए मैंने जो बताया, मान लो कि वो 16 बिट्स का है ऑपरेशनल कोड, तो 6 बिट्स के लिए यहाँ पर देखिए आपको क्या कह रहा है, 16 बिट्स का है तो यहाँ पर कह रहा है कि ऑपरेशन कोड इज एज्यूम, जो ऑपरेशन कोड है वो 6 बिट का होगा और रेस्ट 10 बिट्स जो होता है एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, इस तरीके से ये यूज होता है। अब कह रहा है कि जो ऑपरेशंस यूज होगा उसमें न्यूमेरिक्स कोड होते हैं, न्यूमेरिक्स कोड का मतलब कि जो आप असेंबली लैंग्वेज में यूज कीजिएगा, अभी तो ये ऊपर वाला सी लैंग्वेज का था, और अगर ये ऑपरेशन कोड यूजिंग न्यूमेरिक्स कोड, दैट मींस कि ये न्यूमेरिक्स कोड का यूज जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज में होता है, न्यूमेरिक्स कोड का जो यूज होता है वो यूजिंग इन द असेंबली लैंग्वेज, जैसे लोड हो गया, ऐड हो गया या स्टोर हो गया, ठीक है। तो ये भी एक ऑपरेशंस होता है, पहले क्या करेगा, लोड करेगा जो जो मेमोरी में उसको लोड करना है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसका ऑपरेशंस में एडिशंस है, मतलब कि 2 नंबर को ऐड करेगा, उसके बाद क्या होगा उसमें रिजल्ट्स में उसको स्टोर करेगा। तो इस तरीके से ये ऑपरेशंस होता है सीपीयू के द्वारा, किसके द्वारा होता है, ये सीपीयू के द्वारा होता है। अब कह रहा है कि ये देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा है ना जो सीपीयू यूज करता है, सीपीयू में रजिस्टर्स का यूज करता है, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, तो उसके लिए रजिस्टर का यूज होता है,
और उस रजिस्टर्स के लिए जो यूज होता है वो टेम्प्रोरी स्टोरेज लोकेशंस होता है, वो सीपीयू में होता है, वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इसके लिए यूज होता है, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है, और वो सारा जो ऑपरेशंस होता है वो सीपीयू के द्वारा ही होता है। इसको हम टेम्प्रोरी स्टोरेज के रूप में जो यूज करते हैं, और तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के ये रजिस्टर्स हैं। तो रजिस्टर्स जो होते हैं, पहला नंबर होता है एसी, एसी को हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स कहते हैं। कौन सा रजिस्टर कहते हैं? एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ये एक्यूमुलेट करता है। इस रजिस्टर को हम हेलो हाँ बोलिए, हेलो हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो चल रहा है ठीक ठाक सर? हाँ हाँ क्लास चल रहा है, चल रहा है। हाँ, रिकॉर्डिंग किया ना सर? हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है ठीक है सर। फिर नेक्स्ट क्लास कब है? आज है ना 12 बजे? हाँ ठीक 12 बजे से फिर आज 12 बजे को है ना? और वही दूसरा आईडी में होगा सर? हाँ ठीक है ठीक है सर, ओके सर। अभी मैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स के लिए यूज बता रहा था कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में ये जो है कंप्यूटेशंस के लिए यूज करते हैं, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, कोई भी कंप्यूटेशंस के लिए यूज करते हैं। तो वो इसके लिए क्या करता है कि ये एक्यूमुलेट करता है ना? मतलब कि एसी इज कंसीडर टू कंटेन वन ऑफ द ऑपरेंड्स, है ना? अब ये कह रहा है कि ये जो यूज करेंगे ऑपरेंड वैल्यू के लिए यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है ऑपरेंड वैल्यू का मतलब कि आपको रिजल्ट शो करना है ना, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स का यूज करते हैं। उसी तरीके से होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसको कहते हैं MAR। अब ये क्या कहता है कि मेमोरी लोकेशंस के एड्रेस को ये स्पेसिफाई करता है, मेमोरी लोकेशंस के एड्रेस को। जो मेमोरी है तो उसका एक लोकेशन होगा, तो उसका एक नंबर हो जाएगा, मान लो 1001 1002 1003, ठीक है। तो इसके लिए एक एड्रेस को स्पेसिफाई करता है जिसको कि हम कहते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। हेलो हेलो सर, हाँ बोलिए। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको हमको एक्सेस करना है, रीड करना है, तो वो कहाँ से वो रीड करेगा, किस लोकेशन पे वो डेटा स्टोर है, उसको रीड करने के लिए वो उस डेटा को एक स्टोर कराता है, और वो स्टोर जब होगा वो एक एड्रेस पर होता है, और वो जो एड्रेस जो स्पेसिफाई करेगा वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के द्वारा ही होगा। उसी तरह से मेमोरी बफर रजिस्टर होता है। बफर का मतलब ही होता है कि डेटा जो है, इट इज ए रजिस्टर्स विच कंटेन्स द डेटा टू बी रिटेन इन द मेमोरी। मतलब कि मेमोरी में कुछ जो डेटा रिटेन हुआ है, जो स्टोर हुआ है राइट ऑपरेशंस के लिए, उसको मेमोरी बफर रजिस्टर्स में रखते हैं। ये कहाँ से स्टोर करता है, ये कहाँ से उसको रीड करता है डेटा को,
ये मेमोरी रीड ऑपरेशन से करता है, तो यहाँ पर रीड के लिए भी यूज करता है और राइट ऑपरेशन के लिए भी यूज करते हैं इसको। हम जो यूज करता है मेमोरी बफर रजिस्टर्स, मतलब कि एक रीड ऑपरेशंस के लिए मेमोरी से रीड करेगा और एक राइट ऑपरेशंस के लिए भी मेमोरी से स्टोर करने के लिए मेमोरी बफर रजिस्टर्स का यूज करते हैं। सेम थिंग होता है प्रोग्राम काउंटर्स। प्रोग्राम काउंटर्स जो हो गया, ये नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शंस आता है, मान लो कि ए इक्वल फाइव आया, उसके बाद बी इक्वल टू आएगा, तो वो क्या होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस होता है, उसको ट्रैक पे लाता है एग्जीक्यूटिंग एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस को नेक्स्ट ट्रैक पे लाने के लिए रखता है, उसका काम जो हैगा प्रोग्राम काउंटर्स के द्वारा होता है। उसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स होता है, वो क्या करता है कि लोड करता है जिस जिस इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको लोड करता है, उसका यूज होता है इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स के रूप में। अब यहाँ पर जो मैंने बताया एएलयू के बारे में, एसी के बारे में, सीयू के बारे में, एमएआर के बारे में, एमबीआर के बारे में और आईआर के बारे में, तो ये सारे चीज जो यूज हो रहे हैं ये सीपीयू रजिस्टर्स हैं और उसके फंक्शंस हैं। मान लो कि ये सीपीयू रजिस्टर्स है और उसके फंक्शंस वो कैसे काम करता है, तो ये सीपीयू रजिस्टर्स देखिए आपका जो मैंने बताया एक्यूमुलेटर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, मेमोरी बफर रजिस्टर है, पीसी है और इंस्ट्रक्ट आईआर है। मतलब ये सारे फिगर्स में ये बने हुए सीपीयू रजिस्टर, एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एमबीआर मेमोरी बफर रजिस्टर, पीसी प्रोग्राम काउंटर और आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसके पहले मैंने बताया था एसी एक्यूमुलेटर, ये किसके द्वारा होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के द्वारा काम करता है। और इसको कंट्रोल कौन करता है, सीयू करता है, कंट्रोल यूनिट्स, ये सिग्नल्स के द्वारा ही इसको परफॉर्म करता है। अब देखो कि जैसे कोई भी वैल्यू को एक्यूमुलेट कर रहा है, तो वहां पर जो वैल्यू को एक्यूमुलेट कर रहा है तो वहां पे एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मतलब कि वो जो डेटा है वो कहाँ स्टोर हुआ है वो उसको लिखता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और मेमोरी बफर रजिस्टर्स में क्या कह रहा है, उसमें जो वैल्यू है, जो डेटा है रीड या राइट करने के लिए वो डेटा है। तो देखो एमएआर का मतलब एड्रेस ऑफ द रजिस्टर, तो देखो वहां पर लिखा हुआ 10, यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है 10 है और उसमें जो डेटा स्टोर है वो क्या है 65, है ना। तो देखो लोकेशन ऑफ द एड्रेस और डेटा जो है वो कहाँ स्टोर होता है, इस तरीके से सीपीयू रजिस्टर्स और उसके फंक्शंस वर्क करते हैं, ठीक है। अब मैंने इसके पहले जो बताया था कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो ऑपरेशंस कैसे करते हैं, ऑपरेशंस में मैंने क्या कह रहा था एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेटर के द्वारा वो मेमोरी में स्टोर करता है कंटेंट को, लोड करता है। तो लोड करना जो होता है वो लोड द एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ मेमोरी, वो कहा उस ऑपरेशन कोड को क्या नाम दिया गया लोड। उसके बाद वो जो लोड किया उसके वैल्यू को जो स्टोर करता है ना, करंट वैल्यू को, जैसे 65 था उसी तरीके से फिर दूसरा ऐड करेगा, इस तरीके से ये वर्क करता है। अब ये कैसे काम करता है, जैसे C इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पे ये सारे इंस्ट्रक्शंस को, यहाँ पर ये पिक्चर्स में सभी को नजर आ रहा होगा आई होप, है ना। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि लेट अस अज्यूम द एवर मैसेज इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन 3 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस, मेमोरी लोकेशंस जो है 1 2 3,
है ना। अब यहां पर कह रहा है कि लोड ए लोड बी स्टोर सी है ना, और उसके बाद जो है ये साइड में देखिएगा ये लोकेशंस ऑफ मेमोरी है। अब यहां पर कह रहा है कि लोड ए एड बी स्टोर सी, तो लोड ए में क्या हो जाएगा, ए में लोड क्या होगा 5 होगा, उसके बाद उसमें ऐड करना जो है बी को वो 2 को ऐड करेगा, जो वैल्यू आएगा वो सी में आएगा। यहाँ पर देखो कि जो है प्रोग्राम काउंटर है, एसी एक्यूमुलेटर है, आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है और एमबीआर मेमोरी बफर रजिस्टर। यहाँ पर क्या कर रहा है, एक प्रोग्राम काउंटर का यूज कर रहा है, एक मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का यूज कर रहा है, मतलब उस मेमोरी एड्रेस को मैं उस वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो यहाँ 1 1 है, बाकी में डैश डैश है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में जो होगा, स्टेप 1 हो गया, उसके बाद एग्जीक्यूटिंग के लिए क्या होगा स्टेप 2 होगा, मतलब पहले में तो 5 को स्टोर कर लिया और उसमें ऐड करना है किसको 2 को, तो 2 के लिए फिर प्रोग्राम काउंटर के द्वारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को वो रीड करेगा और राइट करेगा। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर दे रहा है आईआर, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, प्रोग्राम काउंटर में वैल्यू को 2 को स्टोर कर रहा है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड ए को कर रहा है, और बफर में क्या कर रहा है लोड ए, मतलब जो वैल्यू है ए का उसको लोड कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, फिर इंस्ट्रक्शन सेकेंड हुआ, उसके बाद क्या हो गया, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल 3 इंस्ट्रक्शन, ये तीनों इंस्ट्रक्शन जब काम कर लेते हैं उसके बाद क्या करेगा, उस वैल्यू को स्टोर कराएगा, मतलब कि लोड किया ए को, बी को उसमें ऐड किया, उसमें स्टोर सी को करेगा, मतलब कि 5 ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ए इक्वल टू 5 लोड ए इक्वल टू ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू, तो ए में बी को ऐड किया तो 5 और 2, और कहाँ स्टोर किया तो सी में, तो सी में क्या किया 7 किया, तो यानी कि मेमोरी बफर रजिस्टर में जो हमें अब रिजल्ट आएगा वो आएगा 7 होगा, और इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स में जो यूज होगा उसको हम स्टोर सी कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा सीपीयू जो काम करता है और उसके अंदर जो रजिस्टर्स, हेलो सर, स्टोर का इंस्ट्रक्शंस क्या है, हेलो सर, स्टोर का इंस्ट्रक्शंस क्या है सर, like a equal to 2k b equal to 5k and c जो स्टोर करेंगे हम लोग उसका इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा सर। देखो वो स्टोर के लिए इसलिए करते हैं कि हमारा कहीं भी कोई रिजल्ट्स को शो कराना है ना, मान लो कि लोड ए है तो ए में तो 5 को तो हमने ले लिया, बी उसके बाद 5 में क्या कर ऐड बी, मतलब कि 5 में 2 को ऐड कर दीजिए, यही मतलब हुआ, मतलब 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 ही होगा ना, लेकिन जब ये ऐड किया तो कहाँ स्टोर करोगे रिजल्ट, या तो ए का वैल्यू है एक जगह, बी का वैल्यू है, लेकिन हमको 7 को तो कहीं रखोगे तब तो वो रिजल्ट देगा, तो उसके लिए स्टोर की जरूरत होती है, रिजल्ट को हमको कहीं शो कराना है, कहे कि ए का तो मेमोरी लोकेशन अलग है, बी का मेमोरी लोकेशन अलग है, लेकिन हमको सी का तो चाहिए, क्योंकि ये तो जो रिजल्ट है वो डिफरेंट डेटा है, ए का डेटा अलग था बी का अलग था, इसीलिए स्टोर का जरूरत होता है जो कि हमारा रिजल्ट्स को शो करता है। तो सर 3 वेरिएबल रहेगा, फिर उसके लिए भी मेरे को चौथा डी रिजल्ट का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। नहीं, तो 3 ही ना हुआ, चौथा क्यों जरूरत होगा? नहीं सर, मान लीजिए एज इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 6 करे सी इक्वल टू 8 करे, इन तीनों को ऐड करना है तो मेरे को चौथा वेरिएबल आंसर सी को कहां हमको ऐड कर रहा है, सी में तो स्टोर कर रहा है, आपने देखा नहीं ए और बी दो ही वेरिएबल लिए हैं, सी जो लिए है वो स्टोर करने के लिए, मतलब रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए। सर वो बोल रहा है सपोज यहां पे 2 वेरिएबल्स दिया गया है, अगर ये 3 वेरिएबल ये बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसीलिए इनको ध्यान नहीं दिया होता है। ठीक है, अब एम ए आर एम बी आर हो गया, ए सी हो गया, पी सी हो गया, आई आर हो गया, ये आपको नेक्स्ट जो पढ़ना है
आपका जो असेंबली लैंग्वेज होगा उसमें इस रजिस्टर्स का यूज करेंगे, इसीलिए मैंने इसको समझाया सही से कि आप जब वो प्रोग्रामिंग करिएगा तो ये आपको कॉन्सेप्ट रहेगा कि कैसे ये प्रोग्राम्स काम करता है ना, और कैसे ये रजिस्टर यूज होता है। बहुत सारे रजिस्टर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, तो इसीलिए मैंने इसको इसको डीपली बताया कि व्हाट इज आईआर, व्हाट इज पीसी, व्हाट इज एससी है ना, व्हाट इज एमबीआर, व्हाट इज एमएआर। ठीक है, इसके बगैर आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्रामिंग होता है वो आपका रजिस्टर्स के द्वारा ही होता है। जैसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग से सी का है तो वेरिएबल्स के द्वारा हो रहा है, लेकिन ये जो यूज कर रहा है इसमें रजिस्टर का यूज करेंगे, रजिस्टर में ही वैल्यू का स्टोर कराएंगे, रजिस्टर्स के द्वारा ही एग्जीक्यूशन होगा, सारी चीज परफॉर्मेंस जो होगा असेंबली लैंग्वेज में वो रजिस्टर्स के द्वारा ही होगा। उसमें जो हमने बताया था कि न्यूमेरिक्स कोड का यूज होता है, तो न्यूमेरिक्स कोड जो होता है, जैसा मैंने बताया था कि असेंबली लैंग्वेज में जब हम यूज करेंगे कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, हम लोग जो यूज करेंगे वो असेंबली लैंग्वेज का यूज करेंगे, जो कि वो जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा मशीन कोड्स में। मशीन कोड्स का मतलब कि 0 और 1 में हम क्या यूज कर रहे हैं, लो लेवल लैंग्वेज न्यूमेरिक्स कोड। तो इस इंस्ट्रक्शंस को जब एग्जीक्यूट करना होगा तो बाइनरी नंबर्स में उसको चेंज करेगा। अब इसको चेंज करने के लिए हमें ट्रांसलेटर का यूज करते हैं, और वो ट्रांसलेटर जो होता है वो असेंबलर होता है, असेंबलर होता है। ठीक है, बाइनरी नंबर और मशीनरी नंबर एक ही होता है? क्या बोल रहे हो? बाइनरी नंबर और असेंबली ये बाइनरी नंबर एक ही होता है? बाइनरी नंबर्स और मशीन कोड्स का जो है कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड करता है, और असेंबली लैंग्वेज जो है अभी हम लोग पढ़ेंगे ये जो होता है इसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब लो लेवल लैंग्वेज की जरूरत क्यों हुई या हाई लेवल लैंग्वेज की जरूरत क्यों हुई, इसलिए हुई कि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 को ही समझता है, जो बाइनरी नंबर हम बोल रहे हैं। ठीक है, ले उसको मशीन कोड्स भी कह सकते हो, बाइनरी नंबर्स भी कह सकते हो। और जो लो लेवल यूज कर रहे हैं जो तो मशीन समझता है उसको हम मशीन कोड कहते हैं, कंप्यूटर जो समझता है उसको मशीन कोड कहते हैं, और जो मशीन कोड जो मशीन जो समझता है वो होता है 0 1, और 0 1 को हम बाइनरी नंबर्स कहते हैं। अब 0 और 1 को भी क्यों यूज करते हैं, तो 0 और 1 ऑन एंड ऑफ के लिए ही यूज होता है, एक को ऑन करता है और एक ऑफ करता है, एक ऑन करता है एक ऑफ करता है, इसीलिए उस इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को समझता है। लेकिन उस 0 1 के लिए हम नहीं समझ सकते हैं कि कैसे कैसे वो ऑपरेशंस हो रहा है। तो वो क्या हुआ कि हम अपने लैंग्वेज में तो जो जिन्होंने डेवलप किया उनका अपना जो लैंग्वेज था वो इंग्लिश था, तो उन्होंने उस सभी चीज ऑपरेशंस को करने के लिए उन्होंने एक नेमेनिक्स कोड दिया। नेमेनिक्स कोड को मैंने क्या कहा, जैसे ऐड हुआ, ऐड के लिए एक कोड दिया, उसका बाइनरी नंबर्स में अलग होगा। सब्ट्रैक्ट हुआ, मूव हुआ, मूव मतलब MOV, मूव करेगा डेटा, उसके लिए भी एक नेमेनिक्स कोड दिया है ना। इस तरीके से बहुत सारे उसमें आप आगे में पढ़िएगा उसको, तो वो असेंबली लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शंस है। अब ये कह रहा है कि जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो जो मैंने बताया अभी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब कि वो एक प्रोग्राम है, और वो प्रोग्राम है वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है, या तो वो असेंबली लैंग्वेज हो, सी का हो, C++ हो, जावा हो, .NET हो, कोई भी लैंग्वेज हो, लेकिन उसका इंस्ट्रक्शंस जो होगा, मान लो कि एडिशंस होता है, दो नंबर्स को एडिशंस जो होगा वो मेमोरी में दो नंबर्स को मशीन कोड में ही समझेगा, लेकिन हम अपने अनुसार उस लैंग्वेज को
डेवलप किया गया है हमारे सुविधा के लिए। अगर हाई लेवल लैंग्वेज सी है तो मेरे सुविधा के लिए है, असेंबली जो है हमारे सुविधा के लिए कि हम उसको समझ सके और उस प्रोग्राम को डेवलप कर सके, क्योंकि जब तक हम अच्छी तरीके से उस चीज को समझेंगे नहीं हम प्रोग्राम को डेवलप नहीं कर सकते। तो हमको समझने के लिए वो इंस्ट्रक्शंस बना हुआ है, ठीक है, और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक प्रोग्राम के लिए, वो प्रोग्राम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है, असेंबली में भी हो सकता है, सी में भी हो सकता है, क्या होने, लेकिन वो एग्जीक्यूट जो कंप्यूटर करेगा वो बाइनरी कोड्स में ही करेगा। सबका अलग अलग ट्रांसलेटर होता है, जैसे मैंने बोला असेंबली के लिए असेंबलर होता है, तो सी लैंग्वेज का जब हम यूज करेंगे उसके लिए कंपाइलर होता है, ये ट्रांसलेटर होता है, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो केवल बाइनरी कोड्स को ही समझता है, वो मशीन कोड्स को ही समझता है, इसलिए उसको ट्रांसलेट करता है बाइनरी कोड्स या मशीन कोड्स। अब उसके बाद ये जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है ना, तो एग्जीक्यूट होने के अनुसार वो जो हमारा प्रोग्राम जो होता है वो हमारा एक रिजल्ट देता है, या उसका आउटपुट देगा या उसको एरर देगा, यही दो काम हो सकता है, या तो वो प्रोग्राम रन करेगा या प्रोग्राम नहीं रन करेगा, यानी कि वो जो हमने इंस्ट्रक्शंस को दिया उसको फॉलो किया, अगर उसने रन किया उसका आउटपुट सही दिया यानी कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन था वो सही था, अगर वो हमने गलत आता है तो यानी हमारा इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम गलत हो सकता है, ठीक है, यही दो चीज होता है। अब कह रहा है कि जो यूज करते हैं तो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है तो उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है, कोई भी चीज के लिए एक ऑपरेशंस को यूज करने के लिए एक साइकिल बना रहता है, उसी के अनुसार वो काम करता है। तो यहाँ पर दिया है देखो इंस्ट्रक्शन साइकिल में कि स्टेप टू बी परफॉर्म, कौन कौन से स्टेप का यूज हो रहा है, कैसे ये काम करेगा और कौन, हाँ बोलिए, कौन इसका ऑपरेशंस करेगा, कौन सा चीज का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे पहले दे रहा है, पहला कह रहा है कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड, मतलब कि उसके एड्रेस को कैलकुलेट करता है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है। मान लो कि ए इक्वल टू 5 है, उसके बाद बी इक्वल टू 2 है, तो उसको ऑपरेशन होने वाला है, एग्जीक्यूट होने वाला है, उसके एड्रेस को वो कैलकुलेट करता है। अब वो कैलकुलेट करने का काम कैसे होगा, तो इसको करेगा प्रोग्राम काउंटर, जिसको हमने कहा है ये प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है जो कि स्टोर करता है एड्रेस को, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस को स्टोर करता है, जिसको कि हम प्रोग्राम काउंटर करते हैं। तो कौन सा रजिस्टर का यूज करते हैं, पीसी का। अब कह रहा है कि कौन करेगा इस चीज को, कौन इसको परफॉर्म कराता है, उसको वो जो परफॉर्म करता है वो करता है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। उसी तरीके से सेकेंड स्टेप में क्या होगा, गेट द इंस्ट्रक्शन इन द सीपीयू रजिस्टर, जो इंस्ट्रक्शंस है वो सीपीयू रजिस्टर्स में आता है, तो उसके लिए कौन सा यूज करेगा, तो इसके लिए जो होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, कौन सा रजिस्टर होता है, आईआर, आईआर के द्वारा ही इसको मेमोरी के द्वारा इसको एक्सेस करता है। अब काम कौन करेगा, तो मेमोरी रीड ऑपरेशंस इज डन, है ना, तो इस तरीके से ही काम करेगा। फिर नेक्स्ट साइकिल में क्या है, डिकोड द इंस्ट्रक्शन, मैंने जो बताया पहले कि आपका जो लैंग्वेज है वो जो इंस्ट्रक्शन है या तो हाई लेवल लैंग्वेज में है, लो लेवल लैंग्वेज में है, लेकिन कंप्यूटर जो है उस इंस्ट्रक्शन को नहीं समझता है, तो थर्ड ऑपरेशन क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा। डिकोड करने का जो काम भी होगा वो किसके द्वारा होगा, कंट्रोल यूनिट के द्वारा होगा, सीयू के द्वारा होगा। उसके बाद देखिए ये सारा इंस्ट्रक्शन साइकिल में आता है, चौथा क्या होगा,
इवेलुएट द ऑपरेंड एड्रेस, फिर द फेज द ऑपरेंड। तो ये सारा चीज जो होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल में होता है। फिर फोर एंड फाइव हो गया, रीड कर लिया, रीड करने के बाद क्या होगा, उसको अर्थमेटिकली और लॉजिकली इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है, मतलब उसके एडिशंस करना है। तो वो क्या होगा, एडिशंस मतलब वहां लॉजिक लगेगा कि यहाँ पर दो नंबर को जोड़ना है। उसके बाद क्या होगा, दो नंबर को जोड़ने के लिए अर्थमेटिकल ऑपरेटर का यूज करता है। अर्थमेटिकल ऑपरेटर मतलब प्लस का है, उसको प्लस किया। ये किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, एएलयू और सीयू के द्वारा। जब उसको परफॉर्म कर लिया तो उसके रिजल्ट को स्टोर करता है, कहाँ, 5 + 2 = 7, 7 को स्टोर कर लिया, वो डिजायर लोकेशंस में स्टोर हो गया, जैसे सी है तो सी में स्टोर हो गया और उसके द्वारा वो रिजल्ट को शो करता है। वो तो आप एक स्टेप बाय स्टेप लिखकर दिखाते हैं, और उसी चीज को देखो, ये इंस्ट्रक्शन साइकिल को एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से, तो ये इंस्ट्रक्शन साइकिल आता है तो कैसे काम करता है और ग्राफिकली कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये बना हुआ है। कैसे डेटा को ट्रांसफर करता है, कैसे इंस्ट्रक्शंस को लेता है, कैसे उसको कैलकुलेट करता है ना, कैसे उसको डिकोड करता है, कैसे उसको रिजल्ट्स आउटपुट करता है, कैसे उसको, तो ये सारे चीज स्टेप लेते हैं और उसके अनुसार ये इंस्ट्रक्शन साइकिल के द्वारा काम होता है। तो ये फिगर्स हैं और ऊपर में वो स्टेप था, इस तरीके से इंस्ट्रक्शन साइकिल का यूज करता है। ये है इंस्ट्रक्शन साइकिल। उसके बाद जो है इंटरप्ट्स का यूज होता है ना। इंटरप्ट्स जो है एक एक्सेप्शनल इवेंट होता है, वो सीपीयू के द्वारा होता है। मान लो कि कोई भी चीज को हमको डेटा को ट्रांसफर करना है, उसका लोकेशंस पूछता है और आपने उसको उस लोकेशंस के अनुसार, आपको अगर वो सही लोकेशंस मिला तब तो वो सही है, और नहीं हुआ तो उसमें उसको रोक देता है, स्टॉप कर देता है, है ना। तो ये सारे चीज जो होगा वो किसके द्वारा होगा, सीपीयू के द्वारा होता है, ठीक है। ये सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा ये सारे काम होते हैं। अब यहाँ इंटरप्ट्स कंडीशंस दिया है, उसको कैसे कैसे होता है, वो ऑकरेंस ऑफ इवेंट, ठीक है, कि किस तरीके से कौन से इंस्ट्रक्शन के कंडीशंस में क्या रिजल्ट आएगा, कौन सा इवेंट होगा, वो दिया हुआ है। जैसे मान लो इंटरप्ट्स आर जनरेटेड बाय एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इटसेल्फ, मतलब कि खुद वो जब इंटरप्ट्स करता है, कब होता है, जब वो प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूट कर रहा है तो या तो डिवीजन बाय जीरो, द नंबर एक्स इज द मैक्सिमम अलाउड, मतलब कि बहुत सारा ज्यादा को अलाउड कर दिया, अटेम्प्ट एग्जीक्यूटिंग एन इलीगल, तो ये सारे चीज में ये इंटरप्शंस का कंडीशन आता है। मान लो कि क्लॉक इन द प्रोसेसर जनरली यूज ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम एलोकेट ऑफ प्रोग्राम, मतलब आपने जो टाइम दिया है उसके एक्स्ट्रा ले रहा है, मल्टी प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग सिस्टम हो रहा, तो इस तरह से इंटरप्शंस के लिए ये दिया, ठीक है। तो ये इंटरप्ट्स हैं। तो ये हुआ आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल और इंटरप्शंस। इसको भी आप लोग इसका जो चेकी और प्रोग्रेस है इसको बनाइएगा। और इसके बाद जो है ये बेसिक जो है, ये बिगनिंग में जो कंप्यूटर्स कैसे कैसे यूज हुआ, तो वो कैसे यूज होता था उसके बारे में यहाँ पर दिया है। अब जैसे फादर ऑफ द कंप्यूटर कौन थे, चार्ल्स बेबेज थे। तो ये कैसे, ये आपने प्रीवियस यूनिट में आप लोगों ने पढ़ा है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या था, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर क्या था, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स क्या है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। क्योंकि मैं जो है नेक्स्ट जो यूज करूँगा, अभी नेक्स्ट क्लास में जो मैं बताऊँगा आप लोगों को, वो बताऊंगा आज लॉजिक सर्किट्स के बारे में, नंबर सिस्टम्स के बारे में। तो फर्स्ट
कंप्यूटर्स में जैसे मिनी कंप्यूटर्स क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स क्या है, ठीक है, तो ये सारा चीज है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या है, सुपर कंप्यूटर्स क्या है, ये सारा चीज आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा सर्किट के बारे में, लॉजिक सर्किट्स के बारे में। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, है ना, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे जैसे ये प्रोसेसर डेवलप हुआ और किस ईयर में हुआ, उसका मेमोरी साइज क्या था, उसका बस विड्थ क्या था, उसके बारे में ये सारा चीज दिया। तो फर्स्ट प्रोसेसर 4004 था, ये कब आया था, तो 1971 को, है ना। उसके बाद कब डेवलप हुआ, नेक्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर कब आया, तो वो आया 1974। तो ये इसका जो था, पहले पहला जो कंप्यूटर आया था वो तो केवल उसका मेमोरी साइज बाइट्स में था, है ना। उसके बाद जो आया वो किलोबाइट्स में आया, उसका में स्टोरेज समझ लो कि किलोबाइट्स क्या है। उसके बाद जो 1978 में आया वो एमबी में आया, मतलब कि एमबी भी आप लोगों, क्योंकि आजकल रैम भी आता है तो कितने जीबी और टीबी में आता है ना। अब उसके बाद जो आया प्रोसेसर जो आया वो 4GB आया, वो 8991 में आया, जिसको 80486 कहते हैं। जब 80486 आया तो वो 32 बिट्स का था। उसके बाद जो आया पेंटियम आया, पेंटियम कब आया, वो भी 93-95 में आया। उसी समय आपको विंडोज वगैरह भी आया था, है ना। तो या उसको कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया, GUI। उसके पहले जो था वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे यूज करते थे, जिसको कि हम डॉस वगैरह पे यूज करते थे। उसके बाद पेंटियम सेकेंड आया, ये आया आपको 97 में। 99 में आया जो पेंटियम 3 आया, 2000 में आया पेंटियम 4 आया, उसके बाद जो आया 2001 में आया, ठीक है, उसके 1999 में आया। तो इसी तरह से आज भी जो है, आज i3 i5 है ना, तो वो जनरेशन वाइज वो चेंज होता गया, उसका बाइट साइज बढ़ता गया, जीबी में हो गया, रैम का साइज बना, प्रोसेसर का साइज बढ़ गया। तो इस तरीके से आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार वो मॉडिफाई होता है। जैसे आज मोबाइल है, पहले जो था 3G 2G था, 4G हुआ, 5G हुआ, सेम थिंग है। कंप्यूटर्स भी डे बाई डे मॉडिफाई होता है। पहले जो कंप्यूटर का साइज होता था इतना बड़ा होता था कि एक कमरे में रखना पड़ता था, आज जो कंप्यूटर्स हैं वो हाथ में भी हम लेकर चल रहे हैं। तो इस तरीके से ये डे बाई डे, यानी कि उसका मेमोरी का साइज बढ़ता गया और कंप्यूटर के चिप्स के साइज जो हो गए वो साइज छोटे होते गए। तो इसी तरीके से ये आपका जनरेशन भी चेंज हुआ, फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो ये मैंने आज फर्स्ट यूनिट का ये टोटल मैंने बता दिया ओवरव्यू। नेक्स्ट आज अभी 12 बजे से जो क्लास होगा उसमें मैं लॉजिक सर्किट्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। यस सर। हाँ तो तो अब मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने कहा कि कुछ हमें पूछना है ना, तो मैंने कहा कि आपका क्लास आप लोग कोई भी चीज पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर एग्जाम ऑनलाइन होगा ना ऑफलाइन होगा? तो ये एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन ही होगा, ठीक है, ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन पॉसिबल नो। मैंने हेलो हेलो सर। हाँ बोलिए सर। ऑनलाइन में क्या दिक्कत है सर, सब हर एक यूनिवर्सिटी में तो ऑनलाइन करवा रहे हैं, कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन नहीं हो रहा।